हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा है। फ्रॉग में, चिक में गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, और गैस्ट्रुलेशन जब हो जाता है, यानी जब इम्ब्रियो जो है वो उसमें थ्री जर्म लेयर्स बन जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो डिफरेंट ऑर्गेन्स के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इम्ब्रियो है वो गैस्ट्रुला बन गया है। अभी गैस्ट्रुला की स्टेज में, जैसे फ्रॉग का है तो ऐसे स्फेरिकल गैस्ट्रुला बन गया है, ऊपर एक्टोडर्मल लेयर है, बीच में मेसोडर्मल और सबसे अंदर एंडोडर्मल लेयर है। तो अब क्या होगा? अब ये जो डिफरेंट जर्म लेयर्स हैं, they will give rise to different organs. कौन सा organ किससे बनता है, ये कुछ कुछ आप लोग जान चुके हैं। फ्रॉग के फेट मैप में आपने देखा, चिक के फेट मैप में आपने देखा। आप जानते हैं कि जो एक्टोडर्म है वो दो पार्ट में होता है, न्यूरल एक्टोडर्म जो ब्रेन बनाता है, और एपिडर्मल एक्टोडर्म जो स्किन बनाता है, और फिर मेसोडर्म तमाम मेसोडर्मल organs को जन्म देते हैं। हार्ट है, किडनी है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, दिस आर ऑल मेसोडर्मल organs। और जो एंडोडर्म है वो एलिमेंट्री कैनाल उससे बनता है। तो ये अब गैस्ट्रुलेशन हो चुका है और अब ये डिफरेंट ऑर्गेन्स बनने का समय आ गया। तो सबसे पहला जो काम शुरू होता है गैस्ट्रुलेशन के बाद वो है कुछ ट्यूब्स बनती। ठीक है, ट्यूब्स बनने की इस प्रक्रिया को हम ट्यूबुलेशन कहते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन, एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन के बाद The gastrula now enters the phase of tubulation. इसमें different जो इसके layers हैं, जो cell के sheets हैं, they will form some tube-like structure. क्योंकि हमारे जो अधिकतर शरीर के हिस्से हैं, वो आप देखेंगे ना, तो tube-like। हमारा पूरा शरीर बाहर से देखें, ये भी tube-like है ना, यहाँ से ये पूरा घेरा है, this is a tube-like structure. हमारा जो brain है, ये भी डेवलप्ड ब्रेन तो ट्यूब लाइक नहीं दिखता है, लेकिन जब हम शुरू में देखेंगे तो ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। हमारा भीतर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी क्या है, वो भी एक ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर है कि नहीं? सो दीज आर ऑल डिफरेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सो द एम्ब्रियो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स इन अ फेज ऑफ ट्यूबुलेशन, डिफरेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप। और इस ट्यूबुलेशन में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के बनने के में जो एक शुरुआती काम होता है वो है न्यूरल ट्यूब का बनना, यानी वो ट्यूब जिससे ब्रेन बने। तो जब न्यूरल ट्यूब बन जाता है उसे हम न्यूरुला कहने लगते हैं, यानी गैस्ट्रुलेशन के बाद जो अगला स्टेप शुरू हो रहा है आप उसे ट्यूबुलेशन कह सकते हैं। ट्यूबुलेशन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें हर ट्यूब का बनना आएगा, लेकिन अगर सिर्फ हम न्यूरल ट्यूब बनने की बात करेंगे तो दैट इज न्यूरुलेशन, या न्यूरलाइजेशन भी कहा जाता है, न्यूरलाइजेशन और न्यूरुलेशन। और जब न्यूरल ट्यूब बन जाता है तो उस स्ट्रक्चर को जो उसके पहले तक गैस्ट्रुला कहा जा रहा था, अब उसे न्यूरुला कहा जाता है। ठीक है, और इसी न्यूरुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ब्रेन किससे बनता है? न्यूरल ट्यूब से बनता है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रुला होते हैं, दरअसल डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में जो गैस्ट्रुला है वो दो तरह के गैस्ट्रुला हैं। एक राउंड गैस्ट्रुला है, यानी कि वो स्फेरिकल, राउंड मतलब स्फेरिकल, ऐसा ऐसा बॉल की तरह से गैस्ट्रुला, थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसमें, एलोंगेटेड, ये तो एकदम स्फीयर है। तो जो स्फेरिकल या राउंड गैस्ट्रुला होते हैं, ये होलोब्लास्टिक एनिमल्स में पाए जाते हैं। होलोब्लास्टिक यानी जहां कंप्लीट क्लीवेज हो, जैसे एम्फीबियंस, फ्रॉग्स। लेकिन इसके आगे जब हम चलते हैं, जब हम बर्ड्स में जाते हैं या जब हम मैमल्स में जाते हैं, तो हमें ऐसे राउंड गैस्ट्रुला नहीं मिलता है, हमें स्फेरिकल, हमें फ्लैट गैस्ट्रुला मिलता है। ओके, फ्लैट गैस्ट्रुला। सॉरी, फोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया।
तो जो बर्ड्स और मैमल्स में फ्लैट गैस्ट्रोला क्यों बनते हैं, वहां पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। आपने चिक के गैस्ट्रोलेशन में देखा होगा कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है। वहां पर क्या होता है कि जो गैस्ट्रोला का ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो बॉल में ढक्कन जैसा दिख रहा है ना, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे इसको समझिए कि पूरा घड़ा है और उसके ऊपर एक ढक्कन, तश्तरी का ढक्कन रखा हुआ है। तो फ्रॉग में तो पूरा घड़ा ही ये ब्लास्टुला है, हम ब्लास्टुला की तुलना घड़े से कर रहे हैं, तो फ्रॉग में पूरा घड़ा ही गैस्ट्रोला में बदल जाता है क्योंकि पूरे में क्लीवेज होता है। लेकिन चिक में पूरे में क्लीवेज नहीं होता, इतना गाढ़ा योग इधर भरा है कि वो नहीं डिवाइड हो पा रहा है। ऊपर ये जो तश्तरी के आकार का स्ट्रक्चर है, यही गैस्ट्रोला में बदलता है, ब्लास्टुला में भी यही बदलता है, यही ब्लास्टुला होगा, यही गैस्ट्रोला होगा। तो डिस्क शेप्ड गैस्ट्रोलेशन हो, डिस्क शेप्ड ब्लास्टुला बन रहा है। और क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट क्लीवेज है, क्लीवेज सिर्फ इतनी ही दूर में रह गया, नीचे आया ही नहीं, ठीक है। तो इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो जहां मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है, यानी बर्ड में और मैमल में, वहां गैस्ट्रोला कैसा बन रहा है? फ्लैट गैस्ट्रोला, चपटा ऐसे। लेकिन जहां पर कम योक है, जैसे फ्रॉग में होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है, वहां गैस्ट्रोला कैसा बन रहा है? स्फेरिकल, गोल। तो ये जो आपने गैस्ट्रोलेशन में देखा था, फेट मैप ऑफ फ्रॉग गैस्ट्रोला, यहां एक बार उसको रिवाइज कर दिया गया है, जिससे आपको ये समझ में आया कि जो हम आज ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं कहां से होगा। ये फ्रॉग के ब्लास्टुला की ऊपरी तस्वीर है। ये तस्वीर कोई ऐसी बनी हुई नहीं रहती है नेचुरली, ये साइंटिस्ट इसको वर्क करके कि कौन सा हिस्सा कौन सा पार्ट बनाएगा, ये खोज खोज के, और फिर वो अपना बनाते इस तरह का मैप। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर यहां पर, यही न्यूरल एक्टोडर्म, देखिए न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म सरफेस पर है, ये इसी से बनेगा ब्रेन। ब्रेन कहां से, कौन सा हिस्सा बनाएगा? ये अभी बिल्कुल सरफेस पर है, बॉल के सरफेस पर है ना, ये बॉल है, इसके सरफेस पर ही है। ये ब्रेन बनाने के लिए इसको अंदर जाना पड़ेगा, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लीजिए। न्यूरल एक्टोडर्म जो ब्रेन बनाएगा, इसके ऊपर आप देखिए ये क्या है, इपीडर्मल एक्टोडर्म, दिस इज इपीडर्मल एक्टोडर्म। मैं हाईलाइटर ले लूं। सी, दिस इज द न्यूरल एक्टोडर्म एंड दिस विल फॉर्म द ब्रेन, ओके। और इसके ऊपर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए इपीडर्मल एक्टोडर्म, दिस इपीडर्मल एक्टोडर्म विल फॉर्म द स्किन, एंड व्हाट इज दिस ब्लैक कलर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द नोटोकॉर्ड। सो दिस विल फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, ड्यू टू विच वी आर नोन एज कॉर्डेट्स, हम लोग इसी के कारण कॉर्डेट्स जाने जाते हैं, ये नोटोकॉर्ड, ठीक। और नोटोकॉर्ड के बगल में क्या है, मीजोडर्म, यहां पर क्या है, मीजोडर्म, और इधर भी क्या है, मीजोडर्म, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, ये है एंडोडर्म, इससे एलिमेंट्री कैनाल बनेगा। और आपने गैस्ट्रोलेशन में देखा था कि एंडोडर्म कैसे अंदर चला गया और अंदर जाके फिर इसने एलिमेंट्री कैनाल बनाया, ठीक। तो सबसे ऊपर ध्यान रखिए, बड़ा आसान है, सबसे ऊपर ये पूरा एक्टोडर्मल एरिया है, यानी इस ब्लैक वाले हिस्से के ऊपर पूरा एक्टोडर्मल एरिया, एक्टोडर्मल एरिया के दो हिस्से, ये ऊपर वाला एपिडर्मल एक्टोडर्म जो स्किन, बाहरी स्किन बनाएगा, बाहरी कवर, उसके नीचे न्यूरल एक्टोडर्म जो ब्रेन बनाएगा और दूसरा नर्वस सिस्टम बनाएगा, और बीच में क्या है, बीच में है नोटोकॉर्ड और दोनों तरफ मीजोडर्म, इसीलिए इसको हम कॉर्डा मीजोडर्म भी कहते हैं। दिस इज नोटोकॉर्ड और इसके दोनों तरफ क्या है, मीजोडर्म है, ठीक। और सबसे नीचे ये पूरा सा एंडोडर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूरल एक्टोडर्म, इसी से ब्रेन बनेगा, इसके ऊपर ये पूरा एक एपिडर्मल एक्टोडर्म कवर कर लेगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, इसका गैस्ट्रोलेशन इस तरह से होता है कि न्यूरल एक्टोडर्म के ठीक नीचे ये नोटोकॉर्ड पहुंच जाता है। आप देखेंगे आगे कि न्यूरल एक्टोडर्म अभी तो सरफेस में ऊपर नीचे है ना, अभी ये आगे पीछे है, ठीक, आगे पीछे है, यहाँ न्यूरल एक्टोडर्म है तो इधर इपिडर्मल एक्टोडर्म, लेकिन गैस्ट्रोलेशन के बाद इनकी स्थिति ऐसी होनी है कि ये न्यूरल एक्टोडर्म और इसके ठीक नीचे नोटोकॉर्ड है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप देखिए,
ये न्यूरल एक्टोडर्म है अगर, तो ये जो ब्लैक कलर से नोटोकॉर्ड बन रहा है, ब्लैक कलर वाला, ये इसके ठीक नीचे आएगा। देखिए ये न्यूरल, ये पेपर जो न्यूरल एक्टोडर्म है और नोटोकॉर्ड, ये हमारी ये पेन है, तो इसके ठीक नीचे न्यूरल एक्टोडर्म, ठीक। न्यूरल एक्टोडर्म इसके कहां होना चाहिए, ठीक नीचे होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे एपिडर्मल एक्टोडर्म है और इसके पीछे न्यूरल एक्टोडर्म, ठीक है, इसके पीछे। और कुछ समय के बाद कैसा होना चाहिए, ये ऊपर एपिडर्मल एक्टोडर्म, सॉरी ऊपर न्यूरल एक्टोडर्म और उसके नीचे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड नीचे कैसे पहुंचेगा, गैस्ट्रुलेशन के द्वारा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और ये जो पूरा एंडोडर्म था, ये अंदर जाके आर्केंट्रान बनाते हुए और इसने एलिमेंट्री कैनाल बनाया, ठीक ना। फ्रॉग में ये इन्वेजिनेशन के द्वारा गया था अंदर, नोटोकॉर्ड इन्वॉल्यूशन के द्वारा अंदर जा रहा था, और ये सब हो चुका है। अब आगे हम लोगों को आज न्यूरल एक्टोडर्म के बारे में देखना है कि क्या। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ट्यूबुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद अगली प्रक्रिया जो है वो ट्यूबुलेशन की होगी, तो ट्यूब्स, डिफरेंट ट्यूब्स बनेंगे। तो देखिए ये जो है ये राउंड गैस्ट्रुला, यानी उस गैस्ट्रुला का है जो जहां की जो स्फेरिकल ब्लास्टुला, जहां स्फेरिकल गैस्ट्रुला या ब्लास्टुला जो बन रहा है उसमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये जहां फ्लैट गैस्ट्रुला बन रहा है, फ्लैट गैस्ट्रुला किसमें बन रहा है, बर्ड में और मैमल। फ्लैट गैस्ट्रुला क्यों बनता है, जहां पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है, ठीक। तो राउंड गैस्ट्रुला में देखिए, फ्रॉग में, जैसे कि हम लोग फ्रॉग का केस पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉग के केस में ये इस चीज होगी, ठीक है। फ्रॉग के केस में मैंने एक पेन ले लिया। अब देखिए ये जो बीच में है, आप देख रहे हैं ये नोटोकॉर्ड यहां बीच में आ गया, दिस इज दी नोटोकॉर्ड, ओके। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक ये ट्यूब बनेगा, न्यूरल ट्यूब। कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे अभी इसको, दिस इज द न्यूरल ट्यूब, ठीक। इसी से ब्रेन बनेगा, दिस ट्यूब विल फॉर्म द ब्रेन। और इस नोटोकार्ड के दोनों तरफ कौन से ट्यूब हैं, मेसोडर्मल ट्यूब, ठीक। ये मेसोडर्मल ट्यूब है, ये मेसोडर्मल ट्यूब है, और नोटोकार्ड के नीचे एंडोडर्मल ट्यूब, और सबसे बाहर ये देखिए, सबसे बाहर भी एक ट्यूब है, दिस इज द इपिडर्मल एक्टोडर्म ट्यूब, इपिडर्मिस ट्यूब, यानी हमारा सबसे बाहरी आवरण। तो कुल पांच ट्यूब बन गए ना, एक बाहरी ट्यूब, एक न्यूरल ट्यूब, एक एंडोडर्मल ट्यूब, तीन हो गए, और दो मेसोडर्मल ट्यूब, कुल पांच हो गए, चार अंदर दिख रहे हैं और एक बाहर। इस तरह हम लोग पांच ट्यूब से बने हैं, हम लोग पांच ट्यूब से बने, ठीक है। फ्लैट एनिमल्स में कुछ जरा सा स्थिति बदल जाएगी, न्यूरल ट्यूब है, नोटोकॉर्ड है ही है, ये एंडोडर्मल ट्यूब है, अभी पूरा ट्यूब नहीं दिख रहा है, बाद में दिख जाएगा, दोनों तरफ मेसोडर्मल भी है और सबसे बाहर एक्टोडर्मल। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलेशन। अब हम देखेंगे न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस दरअसल इसमें दो हिस्सा है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब जिसे हम न्यूरलाइजेशन कहते हैं, ये न्यूरोजेनेसिस एक नया शब्द आ गया ना, इसका क्या मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरुलेशन या न्यूरलाइजेशन। और अब इस न्यूरल ट्यूब से आगे इससे ब्रेन बनने की प्रक्रिया, दोनों को मिला दिया जाए, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम न्यूरल ट्यूब, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इनटू ब्रेन, द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस में क्या क्या आ गया, दो चीज आ गई, पहला न्यूरुलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूरल ट्यूब इनटू ब्रेन, ठीक। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। तो पहले हम न्यूरुलेशन की बात करेंगे, यानी कैसे न्यूरल ट्यूब बनता है। तो न्यूरल ट्यूब जो है वो दरअसल दो तरह से कॉर्डेट्स में बनता है, फिशेज में, फिशेज में थिकेंड कील मेथड से बनता है, ठीक है, फिशेज में ये थिकेंड कील मेथड से बनता है, और बाकी एम्फीबिया से आगे जब हम चलते हैं तो न्यूरल ट्यूब में, न्यूरल ट्यूब किससे बनता है, न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है, ये सभी में यही होगा।
किसी भी कॉर्ड। न्यूरल ट्यूब कहां से आएगा? न्यूरल एक्टोडर्म। तो न्यूरल एक्टोडर्म जो होता है, जैसे ये न्यूरल एक्टोडर्म है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये थोड़ा मोटा हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है ना, तो अब ये न्यूरल प्लेट कहलाने लगता है। और न्यूरल प्लेट के बाद दो तरह से न्यूरुलेशन होगा, या तो थिकेंड कील मेथड या न्यूरल फोल्ड में। थिकेंड कील मेथड किसमें? फिशेस में। थिकेंड कील में क्या होता है, देखिए थिकेंड कील मेथड साइक्लोस्टोम्स में भी और फिशेस में भी होता है। सेल्स एग्रीगेट हो गए, ये थिक हो गया और पूरी थिक प्लेट ये यहां से नीचे लटक, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे अगर करें, ये पूरा गैस्ट्रुला था, ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये न्यूरल प्लेट है। तो न्यूरल प्लेट एज सच अंदर आ गया, ठीक, नीचे की तरफ फंस गया, ये नीचे की तरफ फंस गया, कोई ट्यूब नहीं बनाया, पहले नीचे की तरफ आ। तो दिस इज थिकेंड कील। लेकिन यहां हमको इससे मतलब नहीं है, हम फ्रॉग में देख रहे हैं। फ्रॉग में दूसरा मेथड होगा न्यूरल फोल्ड में। तो इन मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स में यही तरीका होता है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में सब में क्या होता है, न्यूरल फोल्ड मेथड से न्यूरल ट्यूब बनता है। तो न्यूरल फोल्ड मेथड क्या है, कैसे होता है, इसको हम लोग चित्र में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये चित्र दिखाया गया है, इसमें ये फ्रॉग का गैस्ट्रुला है और ऊपर ये है न्यूरल प्लेट। ये क्या है? न्यूरल प्लेट, ठीक है। और इसके दोनों तरफ ये हिस्सा क्या है, ये है एक्टोडर्म, ये है इपिडर्मल एक्टोडर्म, ठीक। और न्यूरल प्लेट के ठीक नीचे आप देखिए क्या है, नोटोकॉर्ड। ये हमेशा ध्यान रखना है ब्रेन के डेवलपमेंट में, न्यूरल प्लेट के ठीक नीचे नोटोकॉर्ड का होना जरूरी है, ठीक। और नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ ये क्या है, ये है मेसोडर्म। देखिए ये क्या है, ये है मेसोडर्म, ठीक, ये मेसोडर्म। और ये क्या है, ये एंडोडर्म ने एलिमेंट्री कैनाल बना दिया, ठीक। और ये क्या है, दिस इज द नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर न्यूरल प्लेट है, है ना। दिस न्यूरल प्लेट विल फॉर्म द न्यूरल ट्यूब, ठीक। आगे देखा जाए क्या हो रहा है, देखिए यहां प्लेट है और आगे देखिए क्या हो रहा है, ये प्लेट ऐसे ट्यूब बन गई। कैसे बनी अभी देख बताते हैं। और इस न्यूरल ट्यूब के ठीक नीचे ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ मेसोडर्म, इधर मेसोडर्म और इधर मेसोडर्म, नीचे एंडोडर्म, ठीक। अब इसको जरा सा इस पेपर से समझ, मेरे हाथ में जो पेपर, ये फ्रॉग का गैस्ट्रुला था, ठीक, जिसका ये ऊपरी सरफेस है। जैसे ये बॉल है ना, तो इसका ये ऊपरी सरफेस है, तो क्योंकि बॉल में हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हमने एक पेपर लिया। ये यही पर ये है न्यूरल प्लेट, दिस इज द न्यूरल प्लेट, और जहां से ये फोल्ड होकर नीचे आ रहा है, दिस इज द एक्टोडर्म, ये इपिडर्मल एक्टोडर्म जो स्किन बनाएगा, और इधर भी इपिडर्मल एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले हिस्से लटक रहे हैं ये इपिडर्मल एक्टोडर्म, और बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या है, न्यूरल प्लेट, दिस इज न्यूरल प्लेट। अब देखिए क्या हो रहा है, न्यूरल प्लेट पहले धीरे धीरे अंदर एक ऐसे ग्रूव बनाएगा, ठीक, और यहां साइड में देखिए क्या हो रहा है, ये फोल्ड्स उभरने लगे, साइड में क्या हो रहा है, फोल्ड्स बनके ये ऊपर उभरने लगे, तो इन्हें हम न्यूरल फोल्ड कहते हैं, दिस इज न्यूरल फोल्ड, ये दोनों न्यूरल फोल्ड, और बीच में जो गड्ढा बन गया ये क्या है, ये है न्यूरल ग्रूव, ठीक। अब देखिए ये फोल्ड्स दे आर कमिंग क्लोजर, वो एक पास आ रहे, यहां से फोल्ड ऐसे बने धीरे 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 धीरे, ये आकर यहां आपस में मिल गए, तो मिल गए। तो अब देखिए अब क्या हो गया, ये न्यूरल प्लेट पूरा नीचे आ गई, सरफेस के नीचे आ गई, और ये न्यूरल ट्यूब बन गई, न्यूरल प्लेट का न्यूरल ट्यूब बन गया, ठीक। और जो ऊपरी इसके सरफेस है ये किस चीज से कवर हो गया,
ये इपिडर्मल एक्टोडर्म से है, ये इपिडर्मल एक्टोडर्म, ये चारों तरफ इपिडर्मल एक्टोडर्म रहेगा, ठीक, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ इपिडर्मल एक्टोडर्म। तो बाहरी लेयर इपिडर्मिस की हो गई, हमारे बाहर स्किन है, ये स्किन बन जाएगी, और न्यूरल ट्यूब जो न्यूरल प्लेट से बना है, न्यूरल प्लेट पहले सरफेस पर था, अब फोल्ड बनते ही ट्यूब बनते ही ये नीचे अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बन जाता है। और इस डायग्राम में भी देखिए, इसमें जो साइड में है ये तो सेक्शंस दिखाए गए हैं, तो इससे नहीं मत इसको मत देखिए आप। और यहां पर ये गैस्टुला के सरफेस पर जो जो चेंजेस जैसे दिख रहे हैं न्यूरल ट्यूब बनते समय वो दिखाया गया है, लेकिन ज्यादा आपको समझ इधर आएगा जो सेक्शन में दिखाया गया है। इसमें सबसे ऊपर देखिए ये रेड कलर का जो है वह न्यूरल प्लेट, ठीक। अब न्यूरल प्लेट में यहां पर देखिए ये हिस्सा ऐसे उभरेगा, ये जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा, दिस इज द न्यूरल फोल्ड, और यहां भी ये बन रहा है न्यूरल फोल्ड। अब ये दोनों तरफ के न्यूरल फोल्ड ऊपर उठ रहे हैं, ठीक। और एक चीज और देखिए, इस न्यूरल प्लेट के ठीक नीचे ये क्या है, न्यूरल प्लेट के ठीक नीचे ये नोटोकार्ड है, इसका यहां होना जरूरी है। अब ये न्यूरल प्लेट धीरे धीरे देखिए न्यूरल ट्यूब न्यूरल ग्रूव बना रहा है पहले, ठीक ना, और यहां आते आते न्यूरल ट्यूब बन गया। तो न्यूरल फोल्ड से न्यूरल ग्रूव बना और उसके बाद ये बन गया न्यूरल ट्यूब बन गया, सॉरी न्यूरल ट्यूब में इसी में नीचे जो ब्लैक कलर का है ये है नोटोकॉर्ड, ठीक। और ये क्या है, ये है आर्केंडरान जो गट की कैविटी है, और ये पूरा जो है ये एंडोडर्म यानी एलिमेंट्स की। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये जो न्यूरल प्लेट है ये न्यूरल फोल्ड बनाते हुए और न्यूरल ट्यूब, बहुत आसान सा है, बस ये समझना है। ऐसे एक पेपर आप में लीजिए, ये बीच में न्यूरल प्लेट है, फिर न्यूरल प्लेट को अंदर ऐसे आप फोल्ड बनाते हुए ले गए और यहाँ पर ये, ठीक, ये डर्मल एक्टोडर्म है, स्किन बनाएगा और नीचे यहाँ बीच चित्र में भी देखिए ये न्यूरल प्लेट है, ठीक। जैसे ये हमने पेपर दिखाया आपको न्यूरल प्लेट, ये न्यूरल फोल्ड बना और बीच में न्यूरल ग्रूव बना और ये न्यूरल ग्रूव जाके यहाँ पर ऐसे मिल गया, ठीक। और मिल के उसके बाद ये जो दोनों तरफ की ये जो इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस, ये देखिए ये इपिडर्मिस है ना, ये इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस से पूरा ये एक बाहरी स्किन बन गया, ठीक। और ये जो न्यूरल प्लेट था ये यहाँ न्यूरल फोल्ड बना, ठीक है, और गहरा न्यूरल फोल्ड बना और अब ये पूरा न्यूरल ट्यूब बन गया। यहाँ कुछ आप ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो यहीं से दिखाया जा रहा है, दोनों तरफ ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक। अब ये ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देखिए, ये जब न्यूरल फोल्ड्स मिले, जैसे आप लोगों ने अगर कभी घर में कुछ स्टफ्ड पराठा बनाया होगा, पराठे में कुछ भर के, या अगर आप लोगों ने कभी बाटी चोखा बनाया होगा तो आप जानते हैं कि उसमें जब सत्तू भर के और उसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ आते हैं तो कुछ हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा जैसा हो जाता है ना, जैसे लिया इसको इसमें भरा ऐसे फोल्ड किया तो यहाँ कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा होता है तो उसको आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे इसको उसको निकाल भी देते हैं। तो ये जब मिले तो ये कुछ हिस्से इसके इस ट्यूब के बाहर रह गए, इस न्यूरल एक्टोडर्म का ट्यूब बनने के बाद कुछ हिस्सा बाहर रह गया न्यूरल ट्यूब से, ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है जो बाहर रह गया इसको हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहते हैं। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नर्वस सिस्टम के कुछ और पार्ट्स, कहीं गैंग्लियन वगैरह बनाते हैं या कहीं कुछ पिगमेंट सेल्स बनाते हैं या कहीं कोई ग्लैंड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये और डिफरेंट कामों में हिस्सा लेते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये क्या है, ये इसी के रेजिडुअल पार्ट, न्यूरल प्लेट के से निकले हुए कुछ ये पार्ट, ठीक ना, ये नर्व गैंग्लियन पिगमेंट सेल्स ये सब बनाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन समझ में आ गया।
अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो न्यूरल ट्यूब बनती है तो वो बिल्कुल उसका डायमीटर ऐसे नहीं होता, बराबर ऐसे नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, तो जैसे आपने अगर कभी कागज में आपको मूंगफली वाला मूंगफली देता है, कोन बना के देता है ना, थोड़ा कोनिकल शेप में उसमें, या मूंगफली या आप उसमें कुछ कोई इस तरह की कोई चीज खाते हो, कैसे उसका कैसा ट्यूब बनाता है, वो ट्यूब कुछ इस तरह का बनाता है, ठीक ना, वो कुछ इस तरह का ट्यूब बनाता है, चनाजोर गरम जिसमें देते हैं, ठीक। क्या होता है, एक आगे की तरफ डायमीटर अधिक होता है और पीछे की तरफ डायमीटर कम, तो द न्यूरल ट्यूब जो बन रहा है वो कुछ ऐसा होता है, आगे डायमीटर अधिक पीछे डायमीटर कम, ठीक है। एंटीरियर इज द वाइडर पार्ट एंड पोस्टीरियर नैरो पार्ट। अब जो इस न्यूरल ट्यूब की दीवार है, न्यूरल ट्यूब की जो दीवार है, ये दीवार दरअसल तीन लेयर की बनी होती है, इस दीवार में तीन लेयर होती है, ठीक। एक अंदर की जर्मिनल लेयर होती है, देखिए अंदर एक जर्मिनल लेयर, बीच में मेंटल लेयर, और आप ऊपर सबसे बाहर मार्जिनल लेयर, ठीक ना। तीन लेयर की दीवार हो गई, एक दो और ये तीन, अंदर वाली लेयर जर्मिनल लेयर, बीच वाली लेयर मेंटल लेयर, और सबसे बाहर वाली लेयर मार्जिनल लेयर कहलाएगी, ठीक। तो जो बीच वाली लेयर है मिडिल लेयर, इसमें न्यूरोब्लास्ट्स होते हैं। न्यूरोब्लास्ट जहां लग जाए, शब्द ब्लास्ट इसका मतलब है कि वो कोई पेरेंट सेल है, मदर सेल है, जो डिवाइड हो गए कुछ अपने दूसरे तरह के सेल्स को पैदा करेगी, एरिथ्रोब्लास्ट जिससे एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, ल्यूकोब्लास्ट जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स बने। तो यह न्यूरोब्लास्ट जो कि डिवाइड होकर नर्व सेल्स बने, तो मिडिल लेयर में न्यूरोब्लास्ट्स हैं कुछ जिनसे न्यूरॉन बनेंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर इसमें स्पॉन्जियोब्लास्ट्स हैं जो कि न्यूरोग्लियल सेल्स बनाएंगे। स्पॉन्जियोब्लास्ट्स डिवाइड होकर न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स के बीच बीच में पाई जाती है, या एक्सेसरी सेल्स, एडिशनल सेल्स, न्यूरॉन्स के बीच बीच में न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो जो मिडिल लेयर है जिसमें कि ये न्यूरॉन्स बन रहे हैं, ये इनसे एक्सॉन निकलते हैं, देखिए ये मिडिल लेयर है अगर मान लीजिए, तो इसमें न्यूरॉन्स हैं, इसमें से एक्सॉन निकल के ये बाहरी लेयर में आ जाते हैं। मिडिल लेयर में से एक्सॉन में न्यूरॉन्स हैं मिडिल लेयर में, और इससे एक्सॉन्स उन न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन निकलेंगे वो कहां आ रहे हैं, बाहरी लेयर। तो बाहरी लेयर में दरअसल वो इनके एक्सॉन्स का एक लंबा काफी मोटा लेयर है, और जो इनके एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स इनके कहां आ गए, यहां आ गए बाहरी लेयर में, उन एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन की शीथ चढ़ जाती है, माइलिन की शीथ चढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये बाहरी लेयर है, अब ये किस चीज से बनी है, ध्यान दीजिए, ज्यादातर एक्सॉन है, कहां से आ रहे हैं, मिडिल लेयर के न्यूरॉन्स से, और उन एक्सॉन के ऊपर क्या है, माइलिन की शीथ है। माइलिन को सफेद रंग का दिखता है, तो जो बाहरी लेयर है ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स की इसमें प्रचुरता है, किस चीज की, माइलिनेटेड एक्सॉन्स की, माइलिन शीट से कवर्ड एक्सॉन्स की, इसलिए ये बाहरी लेयर व्हाइट कलर का दिखने लगता है, और इसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। और जो बीच वाली लेयर है इसमें न्यूरॉन्स के सेल बॉडी है, जो बीच वाला सेल बॉडी होता है वो ज्यादातर इसमें है, बीच वाली लेयर में, मेंटल लेयर में, तो उसमें तो माइलिन शीथ है नहीं ज्यादा, सेल बॉडी है, तो ये ग्रे कलर का दिखता है, ये कैसा दिखता है, ग्रे कलर का, इसलिए हम इसको ग्रे मैटर, दिस इज व्हाइट मैटर एंड दिस इज ग्रे मैटर, है ना। क्यों ये व्हाइट मैटर है, क्योंकि यहां पर न्यूरॉन्स उनके एक्सॉन्स यहां आए हैं, और एक उसी एग्जॉन से ही ज्यादातर बने, और उन एग्जॉन के ऊपर माइलिन शीथ, ठीक। अब जो ये न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब है, हमने बराबर बना दिया है, आप कहेंगे कि बड़ी वाला नहीं कौन बनाया, चलिए वैसे हमने बना दिया, तो इसके
चार पार्ट, ऊपर डॉर्सल रूफ प्लेट, छत जो है इसकी डॉर्सल रूफ प्लेट, नीचे वेंट्रल सॉरी फ्लोर प्लेट या वेंट्रल प्लेट, डॉर्सल रूफ प्लेट और नीचे फ्लोर प्लेट, और दोनों तरफ क्या है इधर और इधर लैटरल प्लेट्स हो गए, ठीक है। तो ऊपर डॉर्सल रूफ प्लेट, नीचे फ्लोर प्लेट और दोनों तरफ दो लैटरल प्लेट्स। अब जो लैटरल प्लेट है इसको भी दो हिस्से में बटा हुआ है, डॉर्सल साइड में वाले हिस्से को एलआर प्लेट कहते हैं और वेंट्रल साइड वाले हिस्से को बेसल प्लेट कहते हैं। देखिए ऐसे कुछ ऐसे कर दीजिए, ये अगर हमारा ये न्यूरल ट्यूब है, ये अगर न्यूरल ट्यूब है, ठीक, तो हमने इसको बीच से थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक। तो ऊपर वाला अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया ना, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया इसको क्या कहेंगे, सल्कस लिमिटेंस। और ये लैटरल प्लेट है, इसके बीच में ये कॉन्स्ट्रिक्शन सल्कस लिमिटेंस, ऊपर वाले को डॉर्सल एलआर प्लेट और नीचे वाले को वेंट्रल बेसल प्लेट कहते हैं। तो ये देखिए ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया, ऊपर रूफ प्लेट नीचे फ्लोर प्लेट, दोनों तरफ लैटरल प्लेट, लैटरल प्लेट में ऊपर वाला हिस्सा एलआर प्लेट और नीचे वाला हिस्सा बेसल प्लेट, बीच में सल्कस लिमिटेंस, ठीक है। और इसको आगे हाथ से बनाए हुए चित्र में देखिए, ऊपर रूफ प्लेट नीचे फ्लोर प्लेट, दोनों तरफ लैटरल प्लेट, ऊपर वाला लैटरल प्लेट का हिस्सा एलआर प्लेट, नीचे वाला बेसल प्लेट, बीच में सल्कस लिमिटेंस। अब देखिए जो एलआर प्लेट, ये जो ऊपर का हिस्सा, ये दरअसल स्पाइनल कॉर्ड में भी यही स्ट्रक्चर है, ये जो इससे पीछे स्पाइनल कॉर्ड बनेगा तो ये उसका सेक्शन है, सॉरी। तो यही चीज ऊपर भी है, इसमें देखिए एलआर प्लेट जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें सेंसरी न्यूरॉन यहां आते हैं, ये रिसीव होती करती है, एलआर प्लेट सेंसरी न्यूरॉन्स को रिसीव करती है, और बेसल प्लेट इट गिव्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स यहां से बाहर निकलते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स यहां पर आकर रिसीव होते हैं। तो अब ये हमारा जो न्यूरल ट्यूब बन गया था इसका डिफरेंशिएशन होगा, इससे ब्रेन बनेगा। ब्रेन कैसे बनेगा, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगे, है ना, ऐसे ये कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएंगे और आगे फोर ब्रेन बनेगा, बीच में मिड ब्रेन बनेगा और पीछे हाइंड ब्रेन बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा इसी में, आगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक। तो सबसे पहले ये पहले ही दो तीन में नहीं दिखता है, दो हिस्सों में पहले दिखता है, एंटीरियर हिस्सा जो है वो है प्रोजन सिफेलॉन, एंटीरियर वाला प्रोजन सिफेलॉन और पीछे वाला ड्यूटेरन सिफेलॉन, और फिर कुछ समय के बाद ड्यूटेरन सिफेलॉन फिर ये दो हिस्से में बढ़ जाता है, मीजन सिफेलॉन और रोम्बेन सिफेलॉन, ठीक। अब हम ड्यूटेरन सिफेलॉन को अगर छोड़ दें तो तीन हिस्से हो गए, प्रोजन सिफेलॉन, ये एक हिस्सा हो गया ये प्रोजन सिफेलॉन, ठीक, और जो ड्यूटेरन है यही दो हिस्से में बट गया, मीजन सिफेलॉन और रोम्बेन सिफेलॉन, ठीक है, तीन हिस्से में हो गया ब्रेन, प्रोजन सिफेलॉन, मीजन सिफेलॉन और रोम्बेन सिफेलॉन, ठीक, प्रोजन मीजन और रोम्बेन, और यही बनाएंगे। अब देखिए आगे ये फिगर है, हम लोग इस पर बार बार अभी लौट के आएंगे। दरअसल ये एक मिनट में आपको बता दें, ये देखिए ये यहां से ऊपर का हिस्सा, दिस इज द प्रोजन सिफेलॉन यानी फोर ब्रेन, एंड दिस इज द मीजन सिफेलॉन यानी कि मिड ब्रेन, और उसके नीचे ये पूरा है जो है हाइंड ब्रेन, ठीक, प्रोजन सिफेलॉन, मीजन सिफेलॉन और ये रोम्बेन सिफेलॉन, ठीक, प्रोजन सिफेलॉन, मीजन सिफेलॉन और ये रोम्बेन सिफेलॉन। तो हम लोग
प्रोजन सिफिलॉन फोर ग्रेन बन रहा है, प्रोजन सिफिलॉन डेवलप्स इनटू फोर ग्रेन, मिजन सिफिलॉन मिड ग्रेन और रोम्बेन सिफिलॉन हाइंड ग्रेन। यह है प्रोजन सिफिलॉन, यही फोर ग्रेन कहलाएगा बनेगा, मिजन सिफिलॉन मिड ग्रेन और रोम्बेन सिफिलॉन हाइंड ग्रेन। ठीक, अब फोर ग्रेन पर आते हैं, फोर ग्रेन में आते हैं तो प्रोजन सिफिलॉन में दो हिस्से बनेंगे, दो पार्ट हिस्से बनेंगे, टेलन सिफिलॉन और डायन सिफिलॉन। देखिए ये है, दिस इज द दिस पार्ट इज द टेलन सिफिलॉन, ओके, एंड दिस पार्ट इज डायन सिफिलॉन। प्रोजन सिफिलॉन में ही दो पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए, ये है दिस इज द टेलेंसिफेलॉन एंड दिस मिडिल पार्ट इज द डायनसिफेलॉन, ओके, टेलेंसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन। अब टेलेंसिफेलॉन में ही जो दो लोब्स बन रहे हैं दोनों तरफ, ये लोब्स कहलाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कहां सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, टेलेंसिफेलॉन के दोनों लोब्स जो दोनों तरफ निकल रहे हैं ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब जो बीच वाला, इसके नीचे वाला हिस्सा डायनसिफेलॉन, ये भी फोर ब्रेन का ही हिस्सा है, ये डायनसिफेलॉन है। डायनसिफेलॉन यही, इसी से आई का डेवलपमेंट होता है, आगे आई का डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, तो डायनसिफेलॉन से ही आई का डेवलपमेंट होता है। और इसके नीचे है मीजेनसिफेलॉन, ठीक, और अब नीचे जो रोम्बेनसिफेलॉन में दो पार्ट हो गए, रोम्बेनसिफेलॉन में दो पार्ट हो गए, ये बीच वाला जो है ये है मेटेनसिफेलॉन और नीचे वाला जो है ये है माइलेनसिफेलॉन, ये हाइंड ब्रेन हो गए। और माइलेनसिफेलॉन के जो नीचे बच गया जितना हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा ये बना देता है, यही बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब इस ब्रेन के अंदर ट्यूब से बना है भाई, ये था तो ट्यूब, तो ट्यूब्स को बहुत ऑब्लिटरेट हो जाता है, ये सेल्स इसके कई बार डिवाइड होते हैं और इसमें काफी दीवारें मोटी हो जाती हैं, तमाम स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कन्वोल्यूशंस होते हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ये खाली जगह रह जाती है, ये खाली जगह कहीं कहीं रह जाती है, उसको हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहते हैं, जो खाली जगह बच जाती है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो देखिए कितने वेंट्रिकल हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में दो वेंट्रिकल, ठीक ना, लैटरल वेंट्रिकल, तो इधर एक लैटरल वेंट्रिकल, इधर एक लैटरल वेंट्रिकल, तो दो लैटरल वेंट्रिकल ये हो गए, ठीक। और डायनसिफेलॉन के भी अंदर एक खाली जगह रहती है यहां पर, तो इसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, दो ऊपर हो गए और एक नीचे, तीसरा थर्ड वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल्स आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, आपस में कम्युनिकेट, यानी एक पतला सा रास्ता भी उसमें दिखता है। तो ये जो लैटरल वेंट्रिकल्स के बीच में यहां से लेके और यहां तक एक रास्ता है, ठीक, एक ये रास्ता यहां से यहां तक बनता है, इसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो या फोरामिना ऑफ मोनरो, ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक, ये पूरी ये जो ट्यूब बनी हुई है फोरामिना ऑफ मोनरो, ठीक, ये दो लैटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये फोरामिना ऑफ मोनरो, ठीक। और डायनसिफेलॉन के अंदर एक फिर पतला सा रास्ता निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हाइंड ब्रेन के भीतर के खाली जगह, हाइंड ब्रेन के भीतर चौड़ा खाली जगह है, इसलिए इसको हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, हाइंड ब्रेन के भीतर बड़ा सा खाली जगह जिसे हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये थर्ड वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल ये है और फोर्थ वेंट्रिकल, इसके बीच में एक पतला सा गैलरी रास्ता जा रहा है, जो कि कहां से गुजर रहा है, मीजेनसिफेलॉन से होकर गुजर रहा है, इस रास्ते को हम
सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ओके, तो ये न्यूरल ट्यूब से इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन डेवलप होते हैं, है ना। सबसे ऊपर टेलेंसिफेलॉन जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर बना रहा है, उसके नीचे डायनसिफेलॉन, टेलन और डायन मिलके ये फोर ब्रेन कहलाते हैं या प्रोजेंसिफेलॉन कहलाते हैं, ये बीच में मेसेंसिफेलॉन है और इसके नीचे रोम्बेंसिफेलॉन है जिसके दो पार्ट मेटेंसिफेलॉन और माइलेंसिफेलॉन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये आप समझ चुके हैं। वेंट्रिकल्स ये हमने बता दिया, लैटरल वेंट्रिकल्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर में फोरामिना ऑफ मोनरो, ये लैटरल वेंट्रिकल के साथ जो डायनसिफेलॉन की वेंट्रिकल है थर्ड, उसको जोड़ता है ये। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है? डायनसिफेलॉन में, ये सब आप समझ चुके हैं। अब ये डायनसिफेलॉन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, इसी इससे कई दूसरे पार्ट्स चीजें डेवलप होती हैं। इसके मोस्ट एंटीरियर डॉर्सल वाल से कोरोइड प्लेक्सस बनता है, ठीक है, जो बाद में जाके आई को सपोर्ट करता है। इसी के डॉर्सल मिड डॉर्सल पार्ट से पीनियल बॉडी होती है, मिड डॉर्सल पार्ट से देखिए इससे पीनियल बॉडी यहीं से बन रही है। इसी के वेंट्रल वॉल से, डायनसिफेलॉन के ही वेंट्रल वॉल से ऑप्टिक वेसिकल्स बन रहे हैं जिनसे हमारी आंखें बनती हैं, और डायनसिफेलॉन के ही वेंट्रल पार्ट फ्लोर से एक स्ट्रक्चर निकलता है इन्फंडिबुलम जो कि पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक। तो डायनसिफेलॉन से पिट्यूटरी का भी एक पार्ट बनता है, डायनसिफेलॉन से ऑप्टिक वेसिकल्स हमारी आंखें भी डेवलप होती हैं, डायनसिफेलॉन से ही हमारी पीनियल बॉडी भी डेवलप होती है ना, जो कि कुछ एनिमल्स में थर्ड आई जो कहलाती है। अब हम मिड ब्रेन पर आ जाए यानी मेसेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन ये देखिए मेसेंसिफेलॉन ये है ना, ये मेसेंसिफेलॉन। तो अब देखिए मेसेंसिफेलॉन की जो वॉल है ये मेसेंसिफेलॉन है, मेसेंसिफेलॉन की जो वॉल है ये बड़ी थिक है, मेसेंसिफेलॉन की वॉल बहुत थिक है, इसको टेक्टम कहते हैं। द वॉल्स ऑफ मेसेंसिफेलॉन आर थिक एंड इट्स रूट गिव्स राइज टू टेक्टम। टेक्टम क्या है भाई? एक इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर है, टेक्टम ही हमारा विजुअल सेंटर है, यानी आंखों से जो नर्व जा रही है वो टेक्टम में जाके रिसीव हो रही है, और उस टेक्टम के पीछे हमारे कानों से नर्व जाते हैं, कानों से जाने वाले नर्व भी उसी टेक्टम में ही रिसीव होते हैं। टेक्टम से ही दो स्वेलिंग निकलते हैं जिसे हम ऑप्टिक लोब्स कहते हैं, टेक्टम से दो स्वेलिंग निकले जिसे हम ऑप्टिक लोब्स कहते हैं। और मिड ब्रेन यानी मेसेंसिफेलॉन की जो बीच की कैविटी है वो हमने देखा ही था, उसको हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं। नैरो है ये चूंकि, इसलिए इसको हम वेंट्रिकल नहीं कह रहे हैं, ये डक्ट, ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब बात आई हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन में कौन कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, मेटेंसिफेलॉन और माइलेंसिफेलॉन, ठीक है। और मेटेंसिफेलॉन से ही सेरिबेलम बनता है, देखिए ये हाइंड ब्रेन के दो पार्ट मेटेंसिफेलॉन और ये माइलेंसिफेलॉन, और मेटेंसिफेलॉन में जो ये आउटपुशिंग हो रहा है मेटेंसिफेलॉन में, ये बनाएगा सेरिबेलम, ठीक है, ये बनाएगा सेरिबेलम। और माइलेंसिफेलॉन जो उसके नीचे है वो क्या बनाएगा? माइलेंसिफेलॉन मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, सॉरी ये है माइलेंसिफेलॉन ना, देखिए माइलेंसिफेलॉन है, दिस विल फॉर्म मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, और इसके पीछे वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के पीछे जो पोस्टीरियर टू ब्रेन ऑफ न्यूरल ट्यूब, दिस विल डेवलप इनटू स्पाइनल कॉर्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेन के डेवलपमेंट में न्यूरल इंडक्शन का बड़ा रोल है, न्यूरल इंडक्शन यानी कोई दूसरी चीज है जो कि इसको तैयार कर रही है ब्रेन में डेवलप होने के लिए, वो क्या चीज है? वो है नोटोकॉर्ड, या नोटोकॉर्ड और उसके साथ के कुछ मेसोडर्मल हिस्से,
ये न्यूरल ट्यूब है, ध्यान रहे, ये अगर न्यूरल ट्यूब है तो उसके ठीक नीचे ये नोटोकॉर्ड इसी के साथ रहता है, ये नोटोकॉर्ड है ठीक इसके नीचे। अब ये नोटोकॉर्ड इसको प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। कैसे इंड्यूस करता है? कुछ केमिकल्स वगैरह भेजकर, कुछ केमिकल्स वगैरह भेजकर ये इसको प्रेरित करता है कि ट्यूब या ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, तुम अब ब्रेन में बदलो, तुम ब्रेन बनाओ, तुम ब्रेन में परिवर्तित हो जाओ। इस बात की सूचना, इस बात के लिए प्रेरणा और इस बात के लिए जरूरी इंडक्शन नीचे वाला नोटोकॉर्ड देता है। हो सकता है कि नोटोकॉर्ड के अगल बगल कुछ मीजोडर्मल टिश्यू है, ये नोटोकॉर्ड है, इसके अगल बगल कुछ मीजोडर्मल टिश्यू हो, हो सकता है ये तीनों मिलकर इंड्यूस करते हो, या हो सकता है सिर्फ नोटोकॉर्ड करता हो। स्पीमैन ने इसीलिए इस नोटोकॉर्ड को या नोटोकॉर्ड के साइड के दोनों तरफ के मीजोडर्म को मिलाकर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा। ये देखिए, ये है न्यूरल ट्यूब, दिस इज योर न्यूरल ट्यूब एंड दिस इज द नोटोकॉर्ड, दिस इज द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहां रहता है? रूफ ऑफ आर्केंट्रान में, यानी जो आर्केंट्रान बनी थी उसी के छत में ये बीच में नोटोकॉर्ड रहता है। तो इस नोटोकॉर्ड से ही, या नोटोकॉर्ड और ये पूरा जो रूफ ऑफ आर्केंट्रान है दोनों को मिला के, इससे इंडक्शन होता है, यानी कुछ केमिकल्स जाते हैं जिससे ये न्यूरल ट्यूब ब्रेन में परिवर्तित होता है। ये आगे का ऐसा प्रोजन से प्लांट बन रहा है, ये ड्यूटेरियन से प्लांट बन रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, कैसे ये न्यूरल ट्यूब ट्रांसफॉर्म होती जा रही है ब्रेन में ड्यू टू द इनकमिंग इंडक्शन फ्रॉम दिस नोटोकॉर्ड। ओके, तो ये इंडक्शन की प्रक्रिया को हम लोग और डिटेल में, अलग से इंडक्शन एक चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दिस इज अबाउट ब्रेन डेवलपमेंट, तो आप अच्छे से पढ़िए और फिर हम आपका ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, डायरेक्ट क्लास भी लेंगे। पहले इन सब चीजों को देख के ठीक से इसको समझ लीजिए। थैंक यू।